नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर संचालित करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया को तत्परता पारदर्शिता के साथ संचालित करें, ऐसे आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि 2022-23 में आज तक 56 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है। इससे पिछले साल की बात करें तो 3.58 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी हुई है। 8,98,666 किसानों से धान की खरीदी की गई है। अब तक किसानों को 9,697 करोड़ रुपए का मूल समर्थन धन दिया जा चुका है। तो आपको बता दें, धान खरीदी प्रक्रिया को संचालित करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि हो। 2022-23 में आज तक आपको बता दें कि 56 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का खरीदी हो चुकी है। इसके अलावा इससे पहले की बात करें तो संक्षेप में 3.58 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हुई थी। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि प्रक्रिया को तत्परता पारदर्शिता के साथ संचालित करें। मूल समर्थन योजना के तहत खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फरुखाबाद में 19 साल पहले हुई जमीनी रंजिश के चलते हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सुनाई है। 19 साल बाद कोर्ट से न्याय मिलने के बाद मृतक के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। सजा देने के बाद तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 2,40,000 का मुआवजा भी लगाया, जो मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। जमीनी रंजिश के चलते 24 फरवरी 2003 को रणजीत सिंह के अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी अजीत सिंह और अन्य आरोपी के खिलाफ जमीनी रंजिश के चलते अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली थी। तो 19 साल पहले हुई हत्या का मामला, जिसके बाद तीनों ही आरोपियों को सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ मृतक की पत्नी को आरोपियों पर बता दें कि जुर्माना भी लगाया गया है, और जिसकी राशि मृतक की पत्नी को देने का फैसला किया गया है। 24 फरवरी 2003 का यह पूरा मामला है। सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि ये घटना जो थी 2003 की होती, एक बहुत लंबा समय बीत गया था। वादी इंतजार करते करते परेशान हो गया, तब उसने हाई कोर्ट में 2 बार रिट फाइल किए और स्पीडी जजमेंट के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए ऑर्डर हुआ। देयर आफ्टर आई वॉच द फाइल, सो मैनी ऑफ द मेटेरियल प्रोजिकेशन विटनेसेस एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज ओमिटेड। देन आई प्रोसीड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 CRPC एंड द फर्दर विटनेसेस एंड एविडेंस was produced before the honorable court. Then I could prove the case. इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जेपी अस्पताल के पास की घटना है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक से 2,70,000 रुपए लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो 2,70,000 रुपए की
लूट को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब आरोपियों के तलाश में जुटी हुई है। जेपी अस्पताल के पास का पूरा मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जेपी अस्पताल के पास में बदमाशों ने युवक से नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जेपी अस्पताल के पास की पूरी घटना है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। 2,70,000 रुपए युवक से छीनकर आरोपी मौके से फरार हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि युवक से नकदी छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। जेपी अस्पताल के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी नकदी छीनकर युवक से मौके से फरार हो गए हैं। इधर हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडप से दुल्हन को छोड़कर दूल्हा फरार हो गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन से दूल्हा फरार हुआ है। परिजनों ने दूल्हे के खिलाफ तहरीर दी है। दहेज में 3 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। बाइक 3 लाख रुपए मांगा गया था। राट कोतवाली की बीएनवी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर सामूहिक विवाह हो रहा था और दूल्हा मंडप से भाग गया। आरोप है कि 3 लाख रुपए की मांग की गई थी, ना देने पर दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह हो रहा था और इस दौरान दूल्हा मौके से फरार हो गया। 3 लाख रुपए की मांग की गई थी, बाइक मांगी गई थी, नहीं दिए जाने पर दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया, जिसके बाद दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। राट कोतवाली के बीएनवी इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान मंडप छोड़कर दूल्हा मौके से फरार हो गया। दुल्हन के परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एक बाइक और 3 लाख रुपए की मांग की गई थी, नहीं दिए जाने पर दूल्हा मंडप छोड़कर चला गया। इधर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनय पाठक भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें सह आरोपी अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इंदिरा थाने में दर्ज हुआ था मामला। टेंडर के बदले कमीशन खोरी का आरोप था। दिल्ली सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अजय मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। प्रोफेसर विनय पाठक भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला था, जिसमें इंदिरा नगर थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। टेंडर के बदले कमीशन खोरी का आरोप था। इस मामले की जांच दिल्ली सीबीआई कर रही थी, जिसके बाद अजय मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और अब हाईकोर्ट से सह आरोपी अजय मिश्रा को जमानत मिल गई है।
प्रोफेसर विनय पाठक से कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर सह आरोपी अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इंदिरानगर थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद दिल्ली सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब हाईकोर्ट से सह आरोपी अजय मिश्रा को जमानत मिल गई है। बता दें कि एसटीएफ ने अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मिर्जापुर से है। आपको बता दें कि पुलिस ने माता विंध्यवासिनी के नाम से फेसबुक पेज और वेबसाइट के माध्यम से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ विंध्याचल धाम में मामला दर्ज किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में एसपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जेल भेजने के साथ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। विंध्याचल मंदिर के नाम पर और वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश में बड़े नवीनीकरण और विकास कार्य के लिए संक्षेप से दान की अपील करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विंध्या कॉरिडोर के निर्माण के नाम पर चंदा वसूलने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। तो आपको बता दें कि विंध्याचल मंदिर के नाम पर एक वेबसाइट बनाई गई थी और फेसबुक पेज बनाया गया था, जिसके माध्यम से चंदा मांगा जा रहा था, विकास कार्यों के लिए स्वेच्छा से दान करने की अपील की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। विंध्या कॉरिडोर के निर्माण के नाम पर चंदा वसूलने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद अब एसपी ने बताया है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जेल भेजने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनपद मिर्जापुर में एक साइबर क्राइम फ्रॉड का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि विंध्य कॉरिडोर के नाम पे कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक पेज एवं वेबसाइट बना के उनसे चंदा मांगा जा रहा था लोगों से। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, इसमें जांच करा के इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें काफ़ी काम कर लिया गया है कि अकाउंट स्टेटमेंट से लेके बाकी कहां कहां से ये वेबसाइट्स बनी हैं, और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं इनको पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ये नहीं है। उधर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गई है। सीएचसी लैब प्रभारी विजेंद्र वर्मा ने बताया कि इस मशीन से चंद मिनट में व्यक्ति को उसकी जांच तुरंत मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम में अपना नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि व्यक्ति को स्वयं दर्ज करानी होगी, जिसके बाद लंबाई, वजन, बीपी, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन लेवल, फीवर, होमोग्लोबिन समेत 8 जांच की रिपोर्ट तुरंत ही मिल जाएगी प्रिंट होकर। आरएनटीवी ने इस मशीन का ग्राउंड पर जाकर खुद अपने ऊपर रियलिटी चेक किया कि मशीन आम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है। इस दौरान लैब टेक्नीशियन पंकज वर्मा, विनोद वर्मा, शरद वर्मा, हरीश यादव सभी मौके पर मौजूद रहे। इस समय अंबेडकर नगर जिले के सीएससी टांडा में एक हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन हुआ है और आरएनटीवी उस मशीन का लाइव टेस्ट कर रही है। और आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ये हेल्थ मशीन जो है वास्तव में आम आदमियों के लिए कितनी कारगर है और कितनी फायदेमंद है और इसका रिस्पांस क्या है। ये तमाम सारी चीजें हम लाइव कैमरे के सामने अभी यहाँ पर चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब इस मशीन पे तैयार हूं जांच कराने के लिए, और अब आप इस सारे फंक्शन को अपने हिसाब से मूवमेंट करेंगे जी। तो हमको बोलना है कुछ जी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इस पे खड़े होने हैं जी, और फिर अब हेल्थ चेकअप स्टार्ट करते हैं ना जी, और
अब आपका आपका सबसे पहले आपका हाइट होगा जी। सर्वप्रथम हम आपका हाइट करते हैं, वेट करते हैं जी। और वेट हो गया जी, जी। इसमें आपका देखिए वेट आ गया, इसमें BMI आ गया, बॉडी फैट आ गया, इसमें आपका फैट जो लेवल इतना बड़ा हुआ है बता रहा है कुछ। अच्छा, फैट लेवल हमारा बड़ा हुआ है बता रहा है। अब आपके रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जी जी। 96 आपका ये आ गया पल्स ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन लेवल है 96। BP मॉनिटर यानी कि BP चेक होगा आपका इधर जी, जी। कुल मिला जुला के इस मशीन में एक चीज है कि जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन को कहीं ना कहीं पूरे मोमेंटम में क्लियर करने के बाद ही दूसरा फंक्शन अप्लाई होगा, कुछ ऐसी व्यवस्था इस पूरे मशीन में दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि हमने इस पे टेस्ट कराया। बहरहाल अभी थोड़ी सी दिक्कत समस्या ये है कि इस समय यहाँ पे अचानक से लाइट नहीं है और इन्वर्टर से क्योंकि ये मशीन चलाई जा रही, तो एक चीज तो तय है कि इन्वर्टर से भी वक्त जरूरत पड़ने पे ये मशीन फिलहाल चलाई जा सकती है। तो कुल मिलाजुला के आने वाले वक्त में ये निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं सजग दिखाई पड़ती है, उस सापेक्ष इस व्यवस्था का यहाँ उपलब्ध होना निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दिन ब दिन CSC जैसे केंद्रों पर सुधरती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और आने वाले समय में लोगों के लिए ये मशीन काफी सार्थक साबित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसी बीच फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, हजारों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमालगंज क्षेत्र के कुसबाह नगला का ये पूरा मामला है जहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर में आग लग गई है और घर में आग किस कारण से लगी अभी इस चीज का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस दौरान घर में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने का प्रयास किया। आपको कितना गेहूँ जला है? बुरी जल गई और आटा वगैरह वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा वाराणसी दौरे पर रहेंगे, आज शाम काशी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा 20 जनवरी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, इसके बाद शुक्रवार को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। बता दें कि पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। बताते चले कि कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा का ये पहली बार वाराणसी दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प वर्षा करने की तैयारी की गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको बता दें कि कार्यकाल का विस्तार हुआ है और जिसके बाद आज वो काशी पहुंचने वाले हैं।
और इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। बताते चलें कि पुष्प वर्षा की जाएगी और जिसके बाद शुक्रवार को गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। उधर बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण की बुधवार को शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी खेल महाकुंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्ती गुरु वशिष्ठ की पवित्र भूमि है, यह श्रम साधना तप और त्याग की धरती है। आज बस्ती और दूसरे जिलों में खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा खेलों को इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक सेंटर बनाकर तैयार कर दिए जा चुके हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो बस्ती में सांसद विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे सांसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर, एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए संकट ने जन्म लिया है जो